सुबह के 10 बज गए, ना मुझे चाय मिली है और ना मिलने का मुझे कोई रास्ता दिखता है। लगता है मुझे भूखे पड़े रहना पड़ेगा। कुछ मिलेगा भी या फिर ऐसे पड़े रहे भूखे आज पूरा दिन। सुनिए, आज रविवार है, आज खाना लेट में मिलेगा। अगर आपकी ज्यादा भूख लगी है तो जाओ बाहर ठेले पे खा लो, मगर आज खाना जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है? अरे यार, यहाँ मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और इनको शनिवार और रविवार पड़ा है। जल्दी से कुछ जो है लेकर आओ, नहीं तो हम यहीं पे गिर पड़ेंगे इसी फर्श पे और पड़े रहेंगे भूखे बंदरों की तरह। ये जो है अंदर से जल्दी लेके आओ मेरे लिए। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे लग रहा है कल रात में तुमने डिनर किया ही ना हो। जॉब से आए और सीधा बेड पर गिरे सो गए। तुमको कंट्रोल नहीं है बिल्कुल। आज खाना लेट में मिलेगा, लेट में। और हाँ, आपका क्या मन है, सुबह सुबह जाए हम 5 बजे कूद पड़े किचन में? और वैसे भी आपने चूहा तो खा ही रखा है, तो वो तो कुछ पेट में असर करेगा। तो बैठे रहो शांति से, जब बनेगा तब हम आपको दे देंगे। और ज्यादा परेशान करोगे तो चाय भी नहीं पूछेंगे तुमको। अब बैठे रहो बस शांति से। क्या मैंने चूहा खाया है और मुझको ही नहीं पता? क्या बात है, क्या बात है बेटा। बाहर से कुछ खाने के लिए ले आओ, आज मुझे नहीं लगता यहाँ पर 12-1 बजे तक खाना बनने की भी उम्मीद है। तो बाहर से ले आओ, नहीं तो अगर तुम्हारी मम्मी के हम सहारे बैठे रहेंगे तो आज अधमरे हो जाएंगे, भूखे भूखे मर जाएंगे हम। क्या दिन आ गया, अपने ही घर में अपने ही पैसों की कमाई नहीं खा पा रहा मैं। काश इस वक्त मेरी माता जी होती तो मुझे भूखा न रहने देती। क्या दिन आ गया, मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा, ये मुझे पता ही नहीं था। सुनिए, ये रोता हुआ चेहरा मुझे मत दिखाइए। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप दुखी हो या फिर भूखमरी के शिकार होने वाले हो। मेरा जब मन करेगा आज मैं तभी बनाऊंगी, क्योंकि आज संडे है, ठीक? हम बाहर नहीं जाएंगे पापा। अगर आपको जाना है, कुछ लेके आना है तो आप जाइए ले आइए, मगर अभी हम इस समय बाहर नहीं जा सकते। बाहर नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे बाहर? अच्छा एक बात बताओ, बाहर तुम्हारे ससुर जी खड़े हुए क्या जो तुमको पकड़ लेंगे? शांति से बाहर चले जाओ और सामान लेकर आओ, नहीं तो हम उठा के चप्पल तुम्हारे सीढ़ी सिर पे बजा देंगे, बस शांत हो जाओगे। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो मेरे ससुर जी कहाँ से आ जाएंगे? आप भी क्या कॉमेडी वाली बातें करते हो सुबह सुबह उठकर। पापा, वो धूप बहुत तेज है ना बाहर, इसलिए हम बाहर नहीं जा सकते। हमको गोरा होना है, गोरा। हम बहुत काले हो गए समय के साथ साथ, इसलिए हमको गोरा होना है और अपनी क्लास में सबसे स्मार्ट दिखना है पापा, इसलिए हम धूप में नहीं जा सकते। अच्छा, तो ये बात है, तुम बाहर नहीं जाना चाहते तो तुम काले हो जाओगे। तुम मुझको एक बात ये बताओ, तुम अभी कौन सा दूध जितना गोरे हो जो तुम बाहर जाओगे तो काले हो जाओगे? तुम शांति से जाओ, सामान लेकर आओ, नहीं तो 1 महीने तुमको हम गोरा कर देंगे, काला फिर तुम कभी होगे ही नहीं। ठीक है, पैसे लो और जल्दी सामान लेकर आओ जो हम बोलते हैं। अरे वाह पापा वाह, क्या बात कही आपने। मैं पिछले 1 हफ्ते से गोरा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन गोरा हो ही नहीं रहा। इसके चक्कर में 1 हफ्ते से रूम से बाहर नहीं निकला और आप एक झटके में मुझे गोरा कर देंगे। Amazing. क्या बात कही पापा, इससे तो मैं खुश हो गया आपकी इन बातों से। चलिए मुझे एक झटका दीजिए और मैं गोरा हो जाता हूँ। अरे ढक्कन हो का पूरा तुम, यहाँ हमारा प्राण निकला जा रहा है खाने के लिए और तुमको गोरा होना है। जल्दी जल्दी लेके आओ जो हम तुमको बोलते हैं, जल्दी से लेकर आओ जाके। और हाँ, मैंने एक बात पे तो ध्यान ही नहीं दिया, इसने अभी मुझको बोला है मैं पिछले 1 हफ्ते से रूम से बाहर नहीं निकला। इसका मतलब ये भी है कि ये 1 हफ्ते से स्कूल भी नहीं गया। तो रुको, पहले मैं इससे अपना सामान मंगा लेता हूँ, तब मैं इसकी खबर लेता हूँ कि ये 1 हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं गया। मगर पहले मैं इससे अपना सामान मंगा लेता हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। पापा, तो आपने मुझे बताया नहीं कि एक झटके में गोरा कैसे होते हैं, आपने उस बात को छुपाए रखा। चलिए अब जल्दी से बता दीजिए मुझको, मैं गोरा हो जाता हूँ, फिर आपका काम भी हो जाएगा और फिर मैं स्कूल भी जाने लगूंगा। कौन गोरा होने जा रहा है भाई, हमको भी बताओ। अपनी नींद छोड़कर आए हैं, जल्दी बताओ, हमको भी गोरा होना है। कौन गोरा होने जा रहा है? यहाँ हमारी भूख से प्राण निकला जा रहा है और इन दोनों को गोरा होना है, और दोनों को हम एक ही झटके में ऐसा कलर चेंज करेंगे जो कभी फीका ही नहीं पड़ेगा, काला ही नहीं पड़ेगा। आओ तुम दोनों हमारे पास आओ, बहुत दिमाग खराब कर दिया, आओ तुमको हम गोरा कर देते हैं, आओ। अरे यार, इनको तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रही है, मुझे मौका देखकर निकल जाना चाहिए। ये तो बेटे को कम गोरा करेंगे, मुझे तो पूरा ही गोरा कर देंगे, क्योंकि मैंने इन्हें तो अभी तक चाय भी नहीं दिया, ना ही पानी दिया है और ना ही खाना दिया है, तो मुझे मौका देखकर निकल जाना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स, आपको हमारा कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉमेडी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया, तो प्लीज़ नीचे कर दीजिए।